आपके लिए बनाने जा रही हूँ वेज पनीर सैंडविच। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने दो ब्रेड पीस लिए हैं, ये ग्रीन चटनी ली है, म्योइनी है, मक्खन है और साथ में ये है टमाटर गोल गोल काटे हैं, प्याज गोल गोल है, खीरा भी गोल काटा है और एक पनीर का पीस हमने चौड़ा लिया है। और इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इस पे लगाएंगे पहले मक्खन, ये देखिए अच्छे से हम इसको स्प्रेड कर देंगे दोनों ब्रेड पे। बहुत ही बनाना ये आसान है, बच्चे भी इसे बहुत खुश होके खाएंगे और झटपट बनने वाली स्नैक्स है ये देखिए। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक के ऊपर ग्रीन चटनी, बहुत ज्यादा नहीं लगानी, हमें फ्लेवर ही चाहिए इसका। बस इतनी ही हमें लगानी है और एक पे हम लगा देंगे ये मेयोनीज। अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें और बनकर भी झटपट तैयार हो जाता है ये देखिए। थोड़ी सी मेयोनी आप और लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। बस इतना ही है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज जो मैंने गोल गोल काटे हैं, इसे बारीकी आप काटना ताकि खाने में ये अच्छे लगे ये देखिए। अब मैं डालूंगी खीरा, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनकर तैयार होगी और बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। इसके ऊपर हम लगा देंगे ये अपने टमाटर, और इसके ऊपर हम लगाएंगे ये पनीर का पीस इस तरह से। अब इस पे थोड़ा सा हम काली मिर्च, बहुत ही थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, हल्का सा नमक बस इतना। और अब हम इसको कर देंगे बंद और इसे हम गैस पे सेक लेंगे। ये देखिए हमने इस पे बटर डाला था थोड़ा सा और इसको हमने कितना क्रिस्पी कर लिया है। ये हमारा वो सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। आपको इसको इतना ही लाल और अच्छा करना है। अब हम गैस को मैंने बंद कर लिया और हम इसको उतार के सेक लेंगे। देखिए हमारा पनीर वेज सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे बनाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।